पंजाब के भी कई जिलों में बारिश से हाल बेहाल। बारिश के चलते पटियाला शहर पानी पानी हो गया है। हरियाणा के करनाल में बारिश के चलते फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के अजमेर में बच्चों से भरी बस रेलवे के अंडरपास में फंस गई। काफी मशक्कत के बाद जेसीबी से बस निकाली गई। यूपी के कई जिलों में दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते हिमाचल और उत्तराखंड का बुरा हाल। हिमाचल के मनाली में ब्यास नदी के उफनते सैलाब में बस ट्रक तिनके की तरह बह गए। कुल्लू के स्लम क्षेत्र में सरवरी नाले का पानी आ जाने से लोगों की जान पर बनाई। कुल्लू के ही डोबी में ब्यास नदी के बीच फंसे 19 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। बिलासपुर में भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया। हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है। 9 जिलों में स्कूल बंद है। सीएम खुद हालात पर नजर बनाए हुए। उत्तराखंड में भी बारिश कहर ढह रही है। तमाम जिले एक बार फिर बारिश से जलमग्न। गंडक, सरी, काली नदी का स्तर बढ़ गया। चंपावत में नॉनस्टॉप बारिश से नदी नाले लबालब। टिहरी में भारी बारिश से बेलंगना नदी उफान पर है। हल्द्वानी में बारिश ने इस शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। उत्तरकाशी जिले में लगातार दो दिन से बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले में भी दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण के काम में रुकावट आई है।